ये लाश किसकी लाश है? मुखी, ए प्रसाद भाई, ए बेलजी भाई, लाश, मुखी, लाश, देखो लाश, मुखी, देखो किसकी लाश है? मेरा बेटा, ये क्या हो गया? ए भगवान! ए भगवान! शांत हो जाओ, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसका चलता है? शांत हो जाओ गुमती बहन। अरे खोलो, खोलो जल्दी खोलो। हरिपुर के हरामियों, पुलिस को बताने का अंजाम क्या होता है ये तुम लोग देख रहे हो। अब अगर किसी ने गोविंद जैसी भूल करने की कोशिश की तो मैं उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा, एक एक को गोली से भून डालूंगा। मैं 3 दिन बाद हरिपुर आऊंगा, रुपया 10,000 तैयार रखना। कितना? 10,000? अगर होशियारी की तो मैं 1 आदमी को मार दूंगा। बस इतना याद रखना, अगर किसी ने पुलिस को बताने की हिम्मत की तो मैं गांव में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम सबका बाप चोरावर सिंह। चोरावर सिंह, चोरावर सिंह, मैं पुलिस को खबर करूंगा, मैं तुम्हें पकड़वा कर ही रहूंगा। नहीं ठाकुर, नहीं, आपने आपने अगर पुलिस को खबर की तो कल मैं दूसरे बच्चे को भी खो दूंगी। पर हम ऐसे दुष्ट रावण का जुल्म कब तक सहते रहेंगे? जब तक इस गांव में राम पैदा नहीं हो जाता तब तक। हाँ, ठाकुर साहब ठीक कह रहे हैं, हमें इस समस्या को सुलझाना ही होगा। जोरावर सिंह भी इंसान ही है, कोई शेर चीता तो नहीं? अरे भाई, आप जाने और गाँव जाने, मेरा तो फर्ज था इसलिए कह दिया। भाइयों, पूरा गांव मिलकर अगर जोरावर सिंह का सामना करे तो जोरावर सिंह की इतनी हिम्मत नहीं कि गांव की ईंट भी हिला सके। ठीक कहा मुखिया काका। स्वामी, मैंने सुना कि आप गांव के बीच डाकू जोरावर सिंह के लिए बहुत कुछ बोल रहे थे। क्या आप नहीं जानते कि उसके आदमी गांव में घूमते ही रहते हैं और गांव की सभी जानकारी उसे मिलती रहती है? अरे गंगा। स्वामी, वर्षों पहले मैं मेरा एक बेटा त्रिनेत्र के मेले में खो ही चुकी हूँ और अब मैं नहीं चाहती कि मेरी गोद सूनी हो जाए और मेरी मांग का सिंदूर मिट जाए। पर माँ, जोरावर का जुर्म सहना और गांव वालों पर जुर्म होने देना, ये तो ठाकुरों का अपमान है। महान अपमान की बात भूल जा बेटा। अरे गंगा, अत्याचार का सामना करना और उसे नष्ट करने का धर्म भी ठाकुरों का है। तुम तुम्हारे सुहाग के जंजीरों में और ममता की बेड़ियों में मेरे पैरों को बांध। नहीं स्वामी, मैं एक स्त्री हूँ, माँ और सुहागन रहने का मेरा अधिकार आपसे मांग रही हूँ। आज माधव का जन्मदिन है, आपको मेरी सौगंध है, फिर कभी भी जोरावर का नाम मत लीजिएगा। अरे राम राम सरकार। भीमा, क्या लाया? आपके सामने सर उठाने वालों के नसीब में लिखी हुई बंदूक की गोलियां, और क्या है? अरे ये तो समझा, पर हरिपुर गांव का क्या समाचार है? सबकी आंखें खुल गई हैं, पर वो माधव और रंजीत जरा ऊंची आवाज में बात कर रहे थे और पुलिस के पास जाने की बात कर रहे थे। गोविंद की लाश देखकर भी हरामखोरों की आंख नहीं खुली? अरे इतना सारे गांव ने समझाया कि शेर के मुंह में क्यों हाथ डालते हो, पर उस कमीने ने कुछ सुना ही मौत नहीं। को आमंत्रण दिया है, ले भीमा तेरा मेहनताना। इसीलिए तो जासूसी करता हूँ ना, आपकी सेवा करता हूँ सरदार, और कोई सेवा? और सेवा क्या, बस तुम मुझे ये सारी खबरें बताया करो, तुझे तेरा मेहनताना तो मिलता रहेगा। फर्ज है, इसीलिए तो करता हूँ। रंजीत, माधव, पूजा करके आती हूँ। अरे दोनों भी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। Thank you.
रुको, चलो साथियों। आराम करो। पुलिस के कुत्तों, तुमने पुलिस को खबर दी, आज मैं तुम दोनों की खबर लूंगा। अरे अब तक गोविंद का खून मेरे हाथ से सूखा नहीं और तुम मुझे ललकारते हो। पूरे हरिपुर गांव के लोग जानते हैं कि उनके हर सवाल का जवाब मेरी बंदूक की गोली देती है। जरावर, तू जो निर्दोष और गरीब लोगों पर अत्याचार करता है, इससे लगता है कि तेरी नसों में किसी खानदानी का खून नहीं, किसी नीच और नराधम का खून बहता है। क्या कहा, फिर से तो बोल। नराधम, कायर हो तुम। एक निहत्थे आदमी के लिए 10-10 आदमी बंदूक लेकर आते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बार बंदूक मेरे हाथ में दे, फिर पता चलेगा कि कुत्ता कौन है, मैं या तू। चुप, साला हरामखोर। बंदूक। अरे बंदूक कोई बच्चों का खिलौना नहीं, जो तुम्हें मिल जाए। अरे ये तो वीर का शस्त्र है, वीर का। शाला कुत्ता। बोल रंजीत, तेरे साथ में कैसा बर्ताव करूं? मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर जो एक वीर को शोभा दे। मैं तुम्हें वीर गति दूंगा। कमीने, तूने मेरे बाबूजी को मारा, मैं तुझे छोडूंगा नहीं। चल चल, तेरे बाप के जैसा तुझे भी वीर गति दे देता हूँ। ये ले। उनकी और मेरे माधव की रक्षा करना माताजी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना ही कहती हूँ कि हमेशा सुहागन बनकर आपकी पूजा करती रहूं। कोली, हरिया, इन दोनों लाशों को ठिकाने लगा दे। हेमा, हेमा, ये कैसा अपशगुन? मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। ओहो, मैं कह रही हूँ उठो, ये सूरज माथे पर चढ़ाया, अभी तक सो रहे हो। दोनों बाप बेटे एक जैसे हो, उठो उठो कहती हूँ। नाथ, माधव, 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 नाथ, 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 माधव, मेरा बेटा माधव, माधव, काकी, काकी, ये क्या हो गया रत्ना, ये क्या हो गया माधव? धीरज रखो बहन, शायद भगवान की यही मर्जी थी। जो होना था वो तो हो गया, अब दोनों के क्रियाघर की तैयारी करो। जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। मुझे जी कर क्या करना है, मुझे भी चिता पे चढ़ा दो। काकी, काकी, काकी। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। चलो भाई, चलो, चलो भाई, चलो, चलो। धीरज रखो काकी, धीरज रखो। रंजीत काका ने मरकर वीर गति को प्राप्त कर लिया है, आप धीरज रखो काकी, धीरज। रत्ना, मैं सौगंध खाती हूँ कि जब तक मैं मेरे बच्चे और मेरे सुहाग के मौत का बदला जोरावर से नहीं ले लेती, तब तक मैं जिंदा रहूंगी। हाँ, जिंदा रहूंगी। तुम में से कोई इसे पहचानता है? नहीं साहब। नहीं साहब। तो तुम में से कोई इसे नहीं पहचानता? अगर तुमने इसे पहचाना तो गांव का भला होगा,
तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा, इसका जिम्मा मैं लेता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इस गांव में कोई भी इसे पहचानने के लिए हामी नहीं भरेगा। यहाँ के लोग बहुत ही डरपोक और अंधे भी हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आप पुलिस वालों को ही इस जोरावर को पकड़ना होगा। राम राम सरदार। भीमा। सरदार, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपका और हरि सिंह का फोटो पुलिस इंस्पेक्टर ने पूरे गांव वालों को दिखाया और सबको ललचाया। अरे पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पहचान सके। अरे पहचान लेंगे, तो रंजीत और माधव के जैसा हाल नहीं हो जाएगा। सच कहा सरदार। हाँ, तो अब हरिपुर के हराम खोरों को अकल आई कि जोरावर के सामने मुंह खोलना कितना खतरनाक है। ये हराम खोर तो है ही ऐसे, मेरा तो फर्ज इसलिए कहता हूँ। गंगा काकी, आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। सरकार ने आपको इनाम देने के लिए शहर बुलाया है। आपके पति और आपके बेटे माधव ने जोरावर के सामने जो वीरता दिखाई उसके लिए। सरकार के सोने चांदी की मुझे कोई जरूरत नहीं। सरकार को कहो कि अगर कुछ कर ही सकते हो तो जोरावर को गिरफ्तार कर लो और उसके जुल्म से इस गाँव को बचा लो। गंगा बहन, सरकार का अपमान मत करो, आपको जाना चाहिए। हाँ काकी, आप तो हमारे गाँव की शान हो। मेरे पति और बेटे की लाश पर ली हुई मेरी प्रतिज्ञा, शायद यहाँ मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। गंगा बहन, हाँ? क्या सोच रही हो, चली जाओ। हाँ काकी, ठीक है, चलो। बेटा, घर की चिंता मत करना, जाइए। अरे भाई जरूरी है सफाई, सफाई, अरे सफाई, अरे भाई सफाई, अरे सफाई। ए राम भाई, ए पोपटला, ए ग्वाले, ए गंगा बहन, ए बिंदु बहन, ए जमुना बहन। करते हैं सफाई मेरी यही है कमाई, करते हैं सफाई मेरी यही है कमाई, छोटे बड़े सबके साथ करते हैं सफाई, सफाई सफाई मेरी यही है कमाई, करते हैं सफाई मेरी यही है कमाई। हाजी अली चौक पर रोज आते हैं, गीता मंदिर जाके काम करते हैं, दादर स्टेशन पर रोज करते कमाल, इधर उधर देख के करते थे कमाल। साहब ले जाओ इसे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आपने राजा जी से जब कतरे को पकड़वा कर कानून का साथ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, जो जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा। चल चलो चलो। अरे ज्यादा चूना मत लगाना। नहीं, अरे राजा राम, वो हरिपुर की गंगा थी। हा? उसे 10,000 रुपए इनाम में मिले। हा? मैं उसके पीछे ही था। 10,000 रुपया? पर ये हरिपुर की गंगा, इसकी खबर तुम्हें कैसे मिली? अरे वो अपना झुमरी बेवड़ा है ना, उसकी पत्नी की बहन भी वही है। ऐसा, 10,000 रुपया, बहुत अच्छी खबर लाया है तू। 10,000 रुपया, हरिपुर गांव, गंगा की बहन यानी जमुना।
अब तो चूना लगाना ही पड़ेगा बच्चा। गंगा बहन, अगर रुपयों की खबर जोरावर सिंह को लग गई ना तो वो हाहाकार मचा देगा। तो फिर आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। गंगा बहन, पहली बात तो ये कि इस बात की खबर हम तीनों के सिवाय और किसी को नहीं होना चाहिए। काकी, लाओ ये पैसे, मैं घर में इसे ऐसी जगह छुपा दूंगी कि जोरावर सिंह का बाप भी ढूंढे तो उसे एक रुपया ना मिले। हाँ, लो जाओ। मेरी तो ये इच्छा है कि ये पैसे गाँव वालों के काम में आना चाहिए। काकी, आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, रुपया ऐसी जगह रखा है कि किसी को नहीं मिलेगा। राजा राम भाई, बहुत दिन हो गए, राजा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया वो? अरे यार, ससुराल गया वो, ससुराल, समझा ना। आज ही छूट कर आने वाला है, आज से चूना लगाना चालू। चलो बाहर निकलो, तुम्हारी सजा पूरी हो गई है। सलाम साहब। ओ, बाहर आ गए। अरे राजा, तू हर दो चार महीने में इस जेल की हवा खाने आ जाता है। अरे तुम तो जवान हो, शक्तिशाली भी हो, तुम में बुद्धि भी है, फिर ये चोरी लूट मार मारा मारी जेब कतरना ये सब खराब काम छोड़ के तुम कोई ईमानदारी की नौकरी क्यों नहीं कर। नौकरी? इंस्पेक्टर साहब, इस जमाने में दो ही चीजें मुश्किल से मिलती है, एक तो नौकरी और दूसरी ईमानदारी। साहब, जब से मुझ में अकल आई तभी मुझे ये पता चला कि मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाला मेरा बाप एक नाम चीन जेब कतरा और चोर है। साहब, सच कहो तो इस जमाने में जहाँ भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, वहाँ मेरे जैसे चोर पर कौन विश्वास करेगा? बोलो साहब, क्या आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो? नहीं ना। चलो, आपके पास एक रुपए का सिक्का है? दो 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 दो। जय टकसाल, जय टकसाल। देखो साहब, देखो साहब। अरे रे 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 रे, ये तो उल्टा पड़ गया। साहब, मुझे नौकरी मिलने का तो कोई चांस नहीं, चलता हूं। ओ, माफ करना साहब, बचपन से हाथ साफ करने की आदत है ना, इसलिए ये आपका सिक्का। राजा, इस सिक्के को अपने पास ही रखो, या जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम्हें याद रहेगा कि ईमानदारी से अगर कोई भी जगह तुम्हें काम करने का मौका मिला तो उसी वक्त कर लेना, समझ गए? चलो, आपकी बात याद रहेगी। सलाम साहब। सलाम। ए बापू, ए बापू, मैं आ गया। ए मेरा बेटा। बापू, मैं आ गया। क्या बात चल रही थी? अरे चूना लगाने की बात चल रही थी बेटे। बापू, चूना पराये को लगाना, अपनों को नहीं। हाँ, तू जरूर मेरा नाम रोशन करेगा मेरा बेटा। हाँ, देख देख, हमें पहले बुढ़िया है ना, बुढ़िया। बुढ़िया? जिस बुढ़िया ने तुझे जेल में भिजवाया था ना, उसके घर पूर गांव जाना है तुझको मेरे बेटे। हरिपुर? हाँ, उस बुढ़िया को सरकार ने 10,000 रुपए इनाम में दिया है। 10,000 रुपया? हाँ, तुम्हें उसके गांव जाकर 10,000 रुपए उड़ा कर लाना है। मतलब बेटा, समझ गया ना? चूना, 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 चूना लगाने का, तुझे बताता हूँ, समझ गया ना? समझ गया, चूना, चूना। अरे वाह मेरे बापू, वाह। इंस्पेक्टर महन, तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर हो, डर जैसा शब्द पुलिस के डायरी में नहीं होता। जब तक हरिपुर में पुलिस चौकी की व्यवस्था नहीं होती तब तक तुम्हें हरिपुर में हर हफ्ते 1 से 2 चक्कर लगाने होंगे, ठीक है? गंगा बुढ़िया को अहमदाबाद बुलाया था ना सरकार ने, वो क्या कोर्ट कचहरी का लफड़ा है? 10,000 रुपए इनाम में मिला है सरकार से। 10,000 रुपए? मैंने तो 10,000 पैसे भी नहीं देखे, पागल हो गया है क्या? हे भोलेनाथ, आज मैं हरिपुर गाँव में डाका डालने जा रहा हूँ, कैलाश पति मुझे आशीर्वाद दो कि डाका डालने में मुझे सफलता मिले। जय भोलेनाथ। माफ करो ठाकुर साहब, गलती हो गई, माफ कर दो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शंकर, कांटा लगे ना कंकर, जय शंकर, जय गणेशाय नमः, सर्व कार्य सर्वदा, शुभ कार्यशु सर्वदा। जय भोलेनाथ, आपने तो मुझे हरिपुर में पैर रखते ही
अच्छा शगुन करवा दिया, लो लो आपका हिस्सा। भोलेनाथ, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ उस काम में मुझे सफलता मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। देखो शंकर, अब मैं गंगा काकी के घर की तरफ जा रहा हूँ, जरा ध्यान रखना, अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो अपनी तीसरी आँख खोल देना। हाँ, और भोलेनाथ, अगर मुझे 10,000 रुपये मिल गया तो 5,000 तुम्हें चढ़ा दूंगा। हाँ, जा रहा हूँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भोलेनाथ। अरे अरे, मेरा पॉकेट। अरे हाँ, वहां मंदिर में मुझे जो लड़का मिला था उसी ने चुराया होगा। कोहली, जाओ उसे ढूंढो, कहीं वो भाग ना जाए। अरे सरदार, वो भाग कर जाएगा कहां? हाँ, जरा जल्दी आना गोली, अभी पकड़ कर लाता हूं उस साले को। कहां गया? अभी तो यहीं पे था, भाग गया लगता है। सरदार, क्या हुआ? वो तो भाग गया। हाँ? साला, गुरु को गुरु मंत्र सिखा गया। चुप रहो, चलो। ए भाई। हाँ भाई। गंगा काकी का घर कहाँ है? ये जो सामने हवेली दिख रही ना, उसके बगल वाली। ए बुढ़िया, उठ। कौन हो तुम लोग? मैं कहता हूँ, सरकार ने इनाम में जो तुम्हें 10,000 रुपये दिए वो कहाँ है? कौन सा इनाम, कौन सा रुपया? हरिया गोली, तुम दोनों मिलकर पूरे घर को ढूंढ डालो और रुपया को खोज निकालो। और तुम तरबूज, बाहर चौकीदारी करो, जाओ। जी हाँ। कौन है तू? बोल कौन है तू? मैं सरदार, सरदार, पुलिस आ गई। पुलिस, भागो भागो। तुम यहाँ? तुम तो वही जेब कतरे हो ना? हाँ हाँ, पर अहमदाबाद शहर में रहने वाली मेरी माँ जमुना की बहन गंगा काकी आप ही हो? जमुना, वो तुम्हारी माँ है? सगी, सगी। तुम्हारा बापू तो? मेरा बापू तो शुरू से शराबी है। हाँ, वो तो मुझे पता है, पर तेरा धंधा तो? अरे काकी, काकी, घर चलाने के लिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा, पर ये बात मेरी माँ नहीं जानती। जेल से छूटकर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी माँ अंतिम घड़ियां गिन रही थी। मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे आपका पता बताया और कहा कि बेटा, मेरी मृत्यु के बाद तू हरिपुर में मेरी प्यारी सहेली गंगा के पास चले जाना और वहां जाकर अच्छा जीवन जीना। अब आप मुझे माफ कर दो,
नहीं तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा काकी, भगवान भी मुझे माफ नहीं बेटा करेगा। भगवान बहुत दयालु है, वो जरूर अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अच्छा काकी, भगवान सबको आपके जैसी काकी दे। हिमा। जी सरदार। गंगा के घर में जो लड़का मिला था वो अभी भी वही है? हाँ सरदार, वो इसका रिश्तेदार है। हिमा, आज तक गंगा का कोई भी नहीं था, ये कहाँ से आ गया? अरे क्या कर रहे हो भाई, ऐसा क्या कर रहे हो? अरे जरा चक्कर आ गया। चक्कर आ गया था? बैठ जाओ, पानी लाऊं? नहीं अब ठीक हूँ। ठीक है, जरा देख के चलो। भाई जरा ठोकर लग गई थी। ठोकर लग गई थी? माफ करना भाई, माफ करना। इतनी मार पड़ेगी कि लाल हो जाओगे, वही ठहरो। वाला होऊंगा। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ए काका, लो आजकल सोना महंगा हो गया है। शहर से यहाँ गांव में कितने भोले आदमी हैं। तू यहाँ? हाँ 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 काकी, इससे कहो तुम मिल चुके हो इसे? हाँ तो वाह 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 वा, वा, काकी वाह। ये तो बहुत ही मजेदार है काकी। इस खेत में मेहनत करो ना तो सोना निकले। चिंता मत करो काकी, चिंता मत करो, इतनी मेहनत करूंगा कि तुम हैरान हो जाओगी। अरे एक बार तुम सचमुच मेहनत करना शुरू कर दो, फिर देखना तुम्हें कैसा मजा आता है। अरे काकी आप सारी चिंता छोड़ दो, ये खेत देखकर तो हल चलाने का मन हो रहा है। चलो चलो। क्या खेत है? अरे राजा राम, अपने अच्छे संबंध की वजह से 600 रुपया उधार हो गया, अब और शराब नहीं मिलेगी। अरे क्या बात है, 600 रुपए की क्या बात करते हो तुम? अरे मेरे राजा को आने दो, तुम्हें 600 के 1200 दूंगा। 1200 मेरे बेटे को इस तरह तैयार करके भेजा है कि बराबर चूना लगा के आएगा वो। ठीक है बेटा, राजा राम को एक और बोतल दे दो। बिलायती लो, बिलायती। ये लो बिलायती। हाय हाय राजा बेटा, हाथ में छाले पड़ गए। पर बेटा जब तक 10,000 रुपया न मिले तब तक छुटकारा नहीं है, लग रहा बेटा काम पे। हाय 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 मेरी गुलाब की कली। अरे चंदन, अबे ओ चंदन। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। क्या बात है? देख बेटा देख, वो जो काम कर रही है ना, उसके कान में जाकर कह दे कि राजा रानी को बुला रहा है। अरे ये तो अपनी रत्ना बहन है। अरे बहन होगी तेरी यार, राजा की तो रानी है। ले ये रुपया ले और जल्दी जाके कह दे, जा शाबाश, जा बेटा जा। अरे गुलाब की कली, आ रहा है मेरा संदेशा, बोल मेरे सिक्के, मुझे मेरी गुलाब की कली मिलेगी या नहीं? बोल बोल बोल। वाह वाह। रत्ना बहन, रत्ना बहन। क्या बात है? राजा रानी को बुला रहा है। कौन राजा कौन रानी? मुझे तो ये बोलने के लिए राजा भैया ने 1 रुपए दिया है। तेरी ये हिम्मत, तुझे मजा ना चखाऊं तो मेरा नाम रत्ना नहीं, तू यही रुक। अरे ये राजा तेरा बज गया बाजा, भाग। ए राजा कहाँ जा रहा है? नमस्ते। वही रुक। आइए। ए राजा शर्म नहीं आती, छोटे बच्चे को गलत बातें सिखा रहे हो? कौन सी बात? मुझे नहीं पता कौन सी बात। पता नहीं, चंदन को तुमने क्या सिखाया? चंदन? चंदन चंदन को मैंने कहा कि रत्ना फूलों की रानी लग रही है। इतना खबरदार खबरदार जो मेरे लिए कुछ कहा तो, समझा? कमाल है, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ कहा ही नहीं है। कहना भी नहीं? नहीं नहीं तो घास की तरह छील दूंगी। नहीं नहीं जा काम कर। हाय क्या मतवाली चाल है मेरी छेल छबीली। हिमा तुम आज ही पता लगाओ कि कहीं वो छोकरा पुलिस का आदमी तो नहीं। ये बात तो मैं चुटकी में पता लगा लूंगा, लेकिन अगर वो पुलिस का आदमी हुआ तो। हिमा
तुम तो जानते हो कि मैं पुलिस का कट्टर दुश्मन हूँ, उसे ठिकाना लगाना ही होगा। ये तो मेरा फर्ज है। चंदन को मैंने कहा कि रत्ना फूलों की रानी लग रही है, इतना जरूर कहा। बुद्धू बिल्कुल अक्कल नहीं, एकदम बेवकूफ है। राजा रानी को बुला रहा है, रानी रास्ते में नहीं घूम रही, समझा? कौन? मैं हूँ काकी, राजा, राजा पानी पीने आया हूँ। ठीक है पानी पीकर सो जा। हाँ हाँ। बाढ़ में जाए तेरा राजा, कल अगर बिना पैसे के यहाँ आया तो शराब की बूंद भी नहीं मिलेगी, समझे? अरे सेट, एक तो गैर कानूनी धंधा करते हो, उस पर ध्वज जमाते हो, ज्यादा बकबक करोगे तो चूना लगा दूंगा। सब पीले भाई। काकी लाओ। अब तक तू ही बनाती थी ना, पर अब हम एक से दो हो गए हैं, इससे क्या हो गया काकी? अरे काकी बनाने दो ना। अरे बेटा एक दिन की बात होती तो ठीक था, ये तो रोज की बात है, बेचारी कितने दिन करेगी। काकी, आप कहो तो मैं रत्ना को हमेशा के लिए यहीं ले आऊं। मतलब ये है कि रोज रोज आने जाने से अच्छा तुम काकी के घर रह जाओ तो काकी को भी साथ हो जाएगा। अब तुम फिर झगड़ोगे, इससे अच्छा तू ऐसा कर, तू राजा को दूध दोहना सिखा दे। ठीक है काकी, चल रे पागल। काकी रोटी का ध्यान रखना। हाँ, हाँ। चलो, क्या पागल बोल रही है मुझको, चला बैठ यहाँ। हाँ बैठ रहा हूँ। जरा नजदीक जा। हाँ। ए राजा, दूध दोहना शुरू किया कि नहीं? बस तैयारी में हूँ काकी, जरा ये हाथ तो लगाने दे, तब तो बस। इतना बड़ा तार जैसा हो गया फिर भी दूध दोहना नहीं जानते, चल चल जल्दी कर। ए शहर में दूध बोतल में आता है, कैसी बातें करती है। ए मेरी प्यारी, मेरी माँ। अरे पागल ऐसे नहीं बैठते, ऐसे पंजों पर बैठ और ये पतीले को पैर के बीच पकड़। हाँ। ऐसा ला, मैं इसको यहाँ। ए राजा, भैंस को खड़ देना। अरे घास ही खिला रहा हूँ काकी। ए रत्ना। हाँ? ये भैंस कितना चारा खाती है? एक मन। एक मन? हाँ तो दूध भी तो दो घड़े भर कर देती है ना। दो घड़े? चल अब शुरू हो जा। अरे आजा। मजा आ रहा है। दोहना शुरू किया कि नहीं? अरे ये तो हाथ ही नहीं रखने देती काकी, क्या करूं? ध्यान से हाथ घुमाना, गुस्से वाली है, कहीं लात ना मार दे। नहीं नहीं धीरे धीरे मना लूंगा और दूह भी लूंगा। चल अब बहुत हो गया। दूर आऊं। अरे अब तक तुम लोग बैठे ही हो, दूध दुहा नहीं? अरे काकी इसे सिखाना तो बहुत मुश्किल है, ये तो हाथ ही नहीं लगाता, तो मैं क्या करूं? मेरी मिस्टेक, मेरी मिस्टेक। ला मैं बाद में दुह लेती हूँ। रत्ना तू आ और तू भैंस को चारा डाल दे, इन सब को। हाँ चारा दे। अरे चल बेटा। राम राम बाबूजी। राम राम। दाढ़ी बना दूँ? नहीं हाँ, मैं सारा काम खुद ही करता हूँ, तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बाबूजी। एक बात पूछूं? अरे हजाम को पूछना तो नहीं चाहिए, पर पूछना है तो पूछो। पूछो। बात ऐसी है कि इस गांव का मैं इकलौता हजाम हूँ, सुना है कि आप गंगा काकी के भतीजे हो, सगे के दूर के। क्यों कोई शक है? नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि गंगा काकी के यहाँ आने वाले रिश्तेदारों को मैं सब जानता हूँ, मैंने आपको कभी देखा नहीं। मर्यादा में रहोगे तो ठीक रहेगा। ऐसी हो या वैसी, एक बात भूलना नहीं,
तुम सिर्फ एक हजाम हो, गांव के मुखिया या कलेक्टर या ठाकुर नहीं, समझे? अच्छा किया जो मुझे याद दिलाया, रुकने वाले हो? क्या मतलब रुकने वाला हूँ? कुछ नहीं, रुको रुको रुको। सड़क छाप। राजा, क्या बजा रहे हो? बाजा। शहर में जो रहते हैं ना, उन्हें बजाना आता है। मुझे सिखाओगे? हाँ हाँ जरूर जरूर, आ मेरे पास आजा। अरे जरा नजदीक आ। ये क्यों? अरे बाजा सीखना है कि नहीं? हाँ तो सीखना है ना। तो फिर नजदीक आ ना। ऐसा कहो ना। आ गई। ले पकड़ इसे। रुक रुक रुक, शहर के आदमी बड़े गंदे होते हैं, साफ तो करने दे। ये ले। तुझे पकड़ना भी नहीं आता। ये नहीं बचता, बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल नहीं, आसान है। यहाँ से पकड़, यहाँ से पकड़। ऐसे नहीं बचता, बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल नहीं है, आसान है। देख मैं बजाता हूँ, तुझे मजा अच्छा लगेगा। देख। धीरे धीरे तुम भी बजाना सीख जाओगी। सच? मैं हूँ ना, सब सिखा दूंगा। बजा बजा बजाओ बजाओ। ए काकी आ गई। काकी, काकी मैं जा रही हूँ। मेरी काकी, पीछे से भाग जा, पीछे से भाग जा। काकी आ गई, काकी। अरे रे 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 हीरा भाई, अरे रे हीरा भाई, मोती भाई, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बेटा जाना नहीं। अरे क्या जाना नहीं है, कि तुम क्या बात कर रहे हो? ये हीरा भाई, ये अरे भाई, राजा ये काम रख दे। काकी आ गई। बे काकी, अरे हीरा मोती रुक जा। अरे राजा बेटा अब काम रख दे, और ये खाना ले आई हूँ वो खा लो। अरे काकी खाने की बेटा, क्या जरूरत? अभी है? तक तुम्हें आदत नहीं हुई, इसलिए जब थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लिया करो। अरे काकी एक बार सच में हल चलाने का मौका मिल जाए फिर तो आराम ही आराम है। ले अब खा लो, चल। हाँ चल चल, आ रहा हूँ हीरा भाई, मोती भाई, आ रहा हूँ भाई। अरे चल मेरी काकी चल। राजा राम, वो विजय कह रहा था कि तुम्हारी दुकान भी बिक गई है और वो राजा भी नहीं आया। और तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पहले का भी 2,000 रुपया बाकी है। चल लाओ वो पैसा, नहीं तो मैं तुम्हें ये दारू नहीं पीने दूंगा। अरे सेठ, नाराज क्यों हो रहे हो सेठ? अरे तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा सेठ। अरे सेठ, तुम दारू का धंधा करते हो, इतना भी नहीं पता कि पैसे के पास से पानी और शराब वाले के पास से शराबी, किसी दिन वापस नहीं जानना चाहिए। बहुत अपशगुन होता है, हाय लगती है हाय। अरे जो लगना है वो लगे, और अब चुप हो जाओ शराबी बेशरम। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म और हमें सेठ? अरे सेठ, शर्म आती उनको जो शर्माते हैं शर्म से। अरे हम तो ठहरे बेवड़े, शर्म भी शर्माती है हमसे। बकवास बंद कर और जाकर माल ले आ, नहीं तो तुझे ये माल नहीं मिलेगा। आज आखिरी बार तुम्हें बोतल दे रहा हूँ, समझा? राजा, तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई रे। बोल मेरे सिक्के, मुझे मेरी गुलाब की कली मिलेगी कि नहीं? ए गुलाब की कली, मुझे मेरा सिक्का वापस दे। सिक्का तुम्हें नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे दौड़ दौड़ के चूहे जैसे आई और चीट पीट करके मेरा सिक्का ले गई। ए बनरिया, मेरा सिक्का वापस दे दे। मेरा सिक्का लेकर कहाँ जा रही है? अरे बता ना, अरे बता। रुपया ले
कहाँ गई थी गोरी, कहाँ गई थी गोरी, तू कहाँ गई थी गोरी। हे रुपया लेके तू कहाँ गई थी गोरी, कहाँ गई थी गोरी, तू कहाँ गई थी गोरी। हे रुपया लेके तू कहाँ गई थी गोरी, कहाँ गई थी गोरी, थोड़ी प्रीत कर गोरी। ए रुपया लेके तू कहाँ गई थी गोरी, कहाँ गई थी गोरी, तू कजरा लगा के। फतेह चंद, बोल चाबी कहाँ है? मुझे पता नहीं है साहब, मेरी बेटी ने कहीं रख दी है, सच कह रहा हूँ मुझे पता नहीं। चोरावर के सामने झूठ बोलता है? नहीं साहब। तिजोरी की चाबी लाओ नहीं तो गोली मार दूंगा तुझे। बोल कमीने, बोल चाबी कहाँ है? हरिया चाबी ढूंढ। चाबी मिली? हाँ। साला बनिया झूठ बोल रहा था। देख देख तरबूज, इसका अंजाम देख। चलो साथियों चलो। फतेह चंद, ये क्या हुआ मेरे भाई? ये क्या हुआ? किया? फतेह चंद भाई, आप चिंता मत करो, चंदन और प्रतिमा को मैं अपने बच्चों की तरह संभालूंगा, आप फिकर मत करो, फिकर मत करो मेरे भाई। मुखिया, जरा और फतेह चंद, इस तरह मरते रहे तो गांव में कोई आदमी जिंदा नहीं रहेगा, हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए, ये तो मेरा धर्म था, इसलिए मैंने कह दिया। राजा? ए राजा, काकी यही हूँ, आया। क्या बात है काकी, इतनी घबराई हुई क्यों? अरे बेटा, सुबह से तुझे देखा नहीं था ना, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी। अरे काकी, मैं तो यहाँ खेतों में काम कर रहा था,
बेटा, जोरावर के जुर्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल तो उसने बनिए को मार डाला। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो, हे भगवान, पराए को अपना कहने का मेरा मुझे छीन मत लेना। नहीं काकी, भगवान छीन नहीं लेते बल्कि मिला देते हैं। अगर तुम्हारी बात सच है तो भगवान हमारी मदद के लिए जरूर किसी को भेज देगा। ए, 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 या, 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 ए बात, क्या बात है? ये हरिपुर गांव कितनी दूर है? बस यही सामने है। अच्छा, तम्बाकू का तम्बाकू कहाँ कहाँ तुमने? बस 8-10 कोस। 10 कोस, ठीक है। सीधे सीधे जाओ। ठीक है ठीक। हाँ सीधे जाओ। ठीक है ठीक। हाँ ठीक है। राम राम। साला 2 रुपया निकला, बहुत कड़का गांव लगता है। चलो दोपहर का तंबाकू और नौटाक का तो हो गया, पर शाम को उस हराम खोर को वहीं गाड़ दूंगा। भाइयों, आज फिर से मैं ये फोटो दिखा रहा हूं। अगर तुम में से कोई बताएगा कि ये कौन है तो उसमें तुम्हारा ही नहीं पूरे गांव का भला हो जाएगा। साहेब, मैं जानता हूं, यह है जोरावर सिंह। इसे मैंने मेरी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से। थैंक यू मुखिया। हजाम, कहीं जोरावर का खबरी तो नहीं? आओ काकी। क्या बात है बेटा, इतने उदास क्यों लग रहे हो? काकी, मैं सोच रहा था कि यहाँ का भीमा हजाम जोरावर का खबरी तो नहीं है ना? जोरावर का? हाँ काकी, मुझे पर उसी पर शक था। हमें उस पर नजर रखनी ही होगी। पर बेटा, उसका पीछा? उसका पीछा मैं करूँ। तो जल्दी जा, अभी वो नई नदी पार ही कर रहा होगा। जा 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 अभी। हाँ जा, ये ठीक रहेगा। अरे एक बार दे, दो बार दे, जगने वाली रात में दे दे। भीमा। किसने बुलाया? अरे प्रतिमा, तुमने मुझे बुलाया। मैं नहीं तो क्या, मेरी भैंसों ने तुझे बुलाया। अरे भैंस में तुझमें क्या बराबरी है, ये मजाक तो नहीं कर रहे है ना? देख भीमा, मैं कुछ नहीं कर सकती, तेरे साथ मजाक भी ना करूं। अरे मेरी प्यारी, तू तो मजाक क्या, तू तो प्यार भी कर सकती है ऐसे। पर मुझे बहुत डर लगता है कि हमारे प्रेम की खबर गांव में लग गई तो। अरे अभी तू मुझे पहचानती नहीं, तुम्हारी तरफ अगर कोई आंख उठाकर भी देखे तो मैं उसे जान से मार दूंगा, उसको गोली से उड़ा दूंगा। बोलना भीमा। अरे वक्त आएगा तो देख लेना मेरी प्यारी। अभी नहीं भीमा। तो फिर प्रतिमा। मेरा मिट्टू। अरे दूसरी तरफ भी बैठना, फिर दोनों एक बराबर देख। रत्नाबेन, रत्नाबेन खबर मिली? हाँ, उसकी बातों से तो मुझे लगता है वो जोरावर का खबरी है। अरे बाप रे, तो हम सबको बहुत होशियार रहना पड़ेगा। चल चल जल्दी चल। चलो चलो। राजा बेटा, आज अम्बा माँ की पूजा का शुभ अवसर है। हाँ काकी। और एक माँ की तरह आज ये ओम मैं तुम्हें सौंपती हूँ। जानते हो, ये ओम जब तक मेरे पति के गले में था तब तक उनके प्राणों की रक्षा कर रहा था। अगर उस दिन ये ओम उनके गले में होता तो जोरावर सिंह के हाथों उनके प्राण न जाते, मेरा सुहाग न उजड़ता, मैं विधवा न बनती। मेरे प्राणों से ज्यादा कीमती ये ओम जब तक तुम्हारे गले में होगा तब तक कोई तेरा बाल भी न बाका कर पाएगा, और तू मेरा सपना पूरा करेगा। पहन ले बेटा, पहन ले। विश्वास करो काकी, मैं तुम्हारे विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगा। सच कहता हूँ काकी। चल। रत्ना। हाँ राजा, मैंने सारी बात सुन ली। याद रखना, काकी के विश्वास को कभी न तोड़ना, उनकी श्रद्धा को तोड़ना नहीं। रत्ना भरोसा रख, राजा किसी के विश्वास पर विश्वासघात नहीं करता। मुझे यकीन था। चल।
बापू, तुम यहाँ? ये तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पहचान लिया। बेटा, मेरा नाम राजा राम है। मैंने तुम्हें राजा बनाकर हरिपुर भेजा और तुमने मुझे राम बनाकर 14 महीने का वनवास दे दिया। बापू, अभी तक कुछ पता नहीं चला कि गंगा माँ ने पैसे कहाँ छुपा कर रखे हैं। गंगा माँ? ऐसा मतलब तुम्हें यहाँ भी एक माँ ढूंढ ली? और हराम घोर, तेरे बाप को ही तू भूल गया? और तेरे जाने के बाद तो मैं एक एक पैसे के लिए तरस रहा था और दारू की एक एक बूंद के लिए तरसता था बेटे। अरे कर्जा इतना बढ़ गया कि पान की दुकान भी गई, बेचनी पड़ी, क्या करूं? छोड़ छोड़ तू ये सब बात छोड़ छोड़ ये सब बात, पहले ये बता कि रुपया कहाँ है? रुपया? बापू, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं गंगा माँ के घर की एक एक दीवार और जमीन खोद डाली, पर सब व्यर्थ। अब तुम फिर मुझे चूना लगा रहे? अहमदाबाद का शेर और भोला बनकर दिखा रहे? अरे बच्चा, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। बापू, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं। अरे तू तो कसम खा सकता है बच्चे, पर मैं तो वो भी नहीं खा सकता। बापू। राजा बेटा। ये मेरे बापू हैं और ये गंगा काकी। अरे क्या कर रहा बापू, नकली माल पी गया। दारू की लत में इनकी ये दशा हो गई। वैसे आदमी बुरे नहीं है। ये यहीं यहीं रहेंगे। क्या? मैं यहीं रहने वाला हूँ। हाँ बेटा, खुशी से साथ में रहो। बहन, तुम्हारे बारे में राजा ने और मेरी स्वर्गवासी पत्नी ने बहुत कुछ बताया है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुम्हें मेरी मतलब मुझे तुम्हारी सेवा करने का मौका मिल रहा है। चलो 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 बापू चलो। पहले दार की मिलती है यहाँ? अरे चलो ना। राम राम साहब, मैं भीमा हजाम, बाल काट दू। ए राम राम। राम राम हराम खोर। हराम खोर? हाँ, ए हजाम की औलाद। अरे तो शहर की हवा है जो कि जैसे को समझने के लिए मुझे। अंग्रेजी है, मुझे भी दोना दो घूट मजा आ जाएगा। ये देसी पी पी कर मन उब गया है। ए साला, चूना लगा रहा है? नहीं 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 नहीं, दिखता नहीं। असली माल, असली माल, पहली धार का। ये तुम्हारे गांव में वो मिलता होगा ना? अरे भाई साहब, मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होगा, तुम पुलिस का आदमी हो ना? पुलिस का? हाँ पुलिस का। अरे पुलिस के साथ तो अपना घर जैसा संबंध है, अंदर जाना भी और आना भी। जाना भी आना भी, ये तो बड़े आदमियों का शौक है। सुनो, पर तुम्हारा भी बंदोबस्त हो जाएगा, समझा? राम राम। राम राम। आना, मेरा बेटा होकर मुझे चूना लगा रहा था, लगा दिया साले को चूना। अच्छा तो वो बाप बेटे पुलिस के आदमी है। गंगा अपने बेटे और पति का बदला लेने के लिए पुलिस की मदद लेकर हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अरे सरदार, आज तो गंगा हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी है, कल उठकर पूरा गांव नहा धोकर हमारे पीछे पड़ जाएगा। और सरदार बनिए की मौत के बाद पुलिस की पूछताछ में मुखिया ने फोटो पहचान कर कह दिया है कि यही जोरावर है। मुखिया? हाँ सरदार, आज ही सभी को धूल चटा देनी चाहिए। सरदार, आज नवरात्रि का महोत्सव है। महोत्सव है? सब लोग उसमें मगन होंगे। हम इस मौके का फायदा उठाएंगे और गांव पे टूट पड़ेंगे और शिकार होगा वो शहरी बाप बेटा और उसके बाद मुखिया। हाँ, और उत्सव में नाचेगी छबेली। खेलो खेलो सहेली खेलो, सब मिल के आ जम्बा माता।
भागो भागो, डाकू आ गए, भागो, जोरावर आ गया, भागो, अरे भागो भाई भागो। मुखिया काका, मेरी बात सुनो, जोरावर जरूर आपकी खबर लेने आया होगा, इसलिए आप सब लोग छुप जाओ। नहीं बेटा नहीं, इससे अच्छा मैं मेरी जान दांव पे लगा दूं। सरदार, मुखिया और शहरी तो नहीं मिला, पर ये लड़का मिला है। जाओ और जाकर उन दोनों को ढूंढ निकालो, तब तक मैं इसका हिसाब पूरा करता हूं। बोल, कौन है तू और यहां क्या कर रहा है? बात ऐसी है डाकू जी, आपको और मेरा धंधा एक जैसा ही है। तुम बड़े चोर हो और मैं छोटा चोर, जेब कतरा। मैं एक आदमी की जेब पर हाथ मारता हूँ और तुम पूरे गांव की जेब पर हाथ मारते हो, इसलिए चोरावर जो पूछे उसका सही जवाब दे छोकरा। तो तू ऐसे नहीं बोलेगा, मुझे तुम्हें सीधा करना ही होगा। बोल, तेरा बाप और वो पुलिस का कुत्ता मुखिया कहाँ है? बोल बोल। बोल, तेरा नाम क्या है? देख बोल, तेरा गंगा के साथ क्या संबंध है? बोल बोल बोल। बोल, पुलिस के साथ तेरा क्या संबंध है? बोल। शहर से आया है? अरे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ए छोकरे, 24 घंटे में तू और तेरा बाप ये गांव छोड़कर चले जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। नरक में जाए तेरे दुश्मन,
मेरी ए मिठी बोलते वक्त तो मीठा बोल। देख भीमा, मैं तुम्हें हजार बार कह चुकी हूँ कि मेरे मुंह मत लगा कर। अरे हाथ लगाने को ना कहती है तो मुंह कहाँ से लगाऊं? क्या? कुछ नहीं। धीरे काकी, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, धीरे से लगा रही हूँ तो भी दर्द तो होगा ही। बस बहुत। जा तो रत्ना, गरम दूध ले आ, मैं दूध ले आती हूँ। अगर तूने जल्दी से जल्दी काम नहीं किया तो जान से जाएगा। लेने तो आया है 10,000, पर यहीं तेरी कब्र खुद जाएगी। राजा, जैसे ही रात हो जाए जल्दी से माल पानी लेकर यहां से भाग जा, भाग जा यहां से, भाग जा राजा, भाग जा यहां से, भाग जा, भाग जा। चल, सरदार तुझे बुला रहे हैं। अरे मैं तो अभी आ ही रहा था, सोचा जरा नहा लूं। अबे क्या नहा रहा है, जल्दी बाहर निकल और कपड़े पहन, नहीं तो नंगा ले जाऊंगा। क्या नंगा करोगे, लो चलो चलो चलो। अरे आराम कर। अरे अरे तेरा काम, तेरा काम रुपया चोरी करने का था, डाकू इसके साथ लड़ाई करने का नहीं। हाँ बापू, मैंने भी तय कर लिया है कि आज की रात ही रुपया चोरी करके यहाँ से निकल जाएंगे। अगर आज रात तूने रुपया नहीं चुराया ना बच्चे, तो इतना याद रखना कि उन डाकुओं ने हमें ये गांव छोड़कर जाने के लिए सिर्फ 24 घंटे की मुद्दत दी है बच्चा। हाँ बापू, तुम गांव के बाहर मंदिर में मेरा इंतजार करना, मैं किसी भी तरह रुपया लेकर वहाँ आ जाऊँगा। ठीक है? ठीक है, मैं मंदिर के बाहर बैठ के पहली धार का पीता हूँ, तब हाँ। तक तो दूसरी धार की सब साफ करके आ जाना। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। मैं तो शराबी हूँ भाई, मैं तो शराबी हूँ। राजा काम निपटा कर अभी आ ही रहा होगा। चल राजा, पहले सिक्के से पूछ लेता हूँ किस तरफ जाऊं। पहले बापू के पास जाऊं। ये रत्ना, तू यहाँ इतनी रात गए? हाँ राजा, तू भी झूठा है और तेरा सिक्का भी झूठा है। जब भाग ही रहे हो तो 10,000 में तेरा क्या काम हो। ले ये दो कंगन भी लेता जा। एक विधवा और बेसहारा स्त्री ने तुझ पर कितना विश्वास किया था, कितनी कितनी आशा और अरमानों से तुझे अपने पास रखा, और आज तू उसके आशाओं और अरमानों को तोड़कर नेस्तो नाबूद करके जा रहे हो। चोर आखिर चोर ही होता है ना। मुझे तो लगा था कि गंगा माँ के पवित्र प्रेम से तुम भी पवित्र हो जाओगे, सुधर जाओगे, हरिपुर के लोगों की, उनके बहन बेटों की आबरू उस दुशासन से बचा लोगे।
पर नहीं, मेरी सारी आशाएं आज धूल में मिल गई राजा, धूल में मिल गई। मैं तुम्हें अर्जुन समझती थी, पर तू तो उसके भेष में दुर्योधन निकला राजा, दुर्योधन। छी रत्ना, अरे अब तो सुबह हो गई, राजा अभी तक नहीं आया। रामजादा, मुझे चूना लगा गया। अच्छा बच्चे, ये राजा राम पूरे गांव को चूना लगाता है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बेटा। कहाँ गया राजा? राजा बेटा, हाँ अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ काकी। एक बात कहूँ, मानेगा? हाँ कहो। बेटा, मेरे पास ये 10,000 रुपए हैं, जो एक बहुत बड़े बलिदान का इनाम है। मेरी ये मन से इच्छा है कि ये रुपया लेकर तू तेरे घर चला जा और बाकी का जीवन एक अच्छा और प्रामाणिक आदमी की तरह बिता। आज एक माँ अपने ही सगे बेटे जैसे माने हुए बेटे को अलग होने को कह रही है। माँ, बेटा, तुमने मुझे माँ कहा? हाँ माँ, इन्हीं चरणों में काशी है, गंगा है, चारों धाम है। तुम मुझे इस स्वर्ग से निकालकर कौन से नरक में भेज रही हो माँ? बेटा, मैं तो मेरे हृदय पर पत्थर रखकर तुम्हें जाने के लिए कह रही थी, नहीं तो जालिम जोरावर तुझे मार डालेगा। कुरुक्षेत्र में गंगा के बेटे भीष्म को मारने के लिए लाखों तीर भी कम थे माँ, उनकी मृत्यु इच्छा मृत्यु थी माँ। वो महाभारत थी बेटा। तो ये भारत है माँ, भारत। राजा बेटा, ये अचानक तुम्हें कुरुक्षेत्र की याद कहाँ से आ गई? माँ, कल रात द्रौपदी सपने में आकर मुझे दुशासन की याद दिलाई। राजा। हाँ माँ, मैंने भी निश्चय कर लिया है कि इन्हीं रुपयों से हरिपुर के लोगों में नया जोश भर दूंगा, ताकि समय आने पर वो लोग जोरावर की शक्ति से टक्कर ले सके, और मैं साबित करके दिखाऊंगा कि कभी खोटे सिक्के की तरह खोटा इंसान भी सच्चा इंसान बन सकता है। भगवान, आपको बहुत बड़ा उपकार है जो आपने राजा को सच्चा मार्ग दिखाया, बहुत बड़ा उपकार। ए साला, अमावस की रात को जन्मा हुआ अमावस्या, मुझे चुना लगाने चला था? कल पूरी रात में मंदिर में तेरी रात देखता रहा साला रामजादा। बाबू, आप मुझे बार बार गाली देते हो, ये ठीक नहीं है। मैंने पूरी रात कोशिश की पर रुपया नहीं मिला, इसमें मैं क्या करूं? अरे साले, शराबी की नजर घूम सकती है पर आज तुम्हारी नजर कैसे घूम गई? बापू साला बेशरम, बापू 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 कहकर मुझे बनाने निकला साला, रुपया नहीं मिला। साले रुपया नहीं मिला या फिर तुझ बुढ़िया का साथ मिल गया है? मुंह संभाल कर बात कर बापू। अरे जा, अबे राजा राम दूध का दूध और पानी कर देगा बच्चे। इस पहली दार के दारू की सौगंध अब एक काम मैं खुद ही करूंगा, उस बुढ़िया को मैं ही चुना लगाऊंगा। बापू, अब इस बुढ़े को भी संभालना पड़ेगा। सब खोद दूंगा, यहाँ की ईंट से ईंट तोड़ दूंगा, सब खोद दूंगा, पर इनाम के 10,000 रुपए ढूंढ कर ही रहूंगा। अरे खुदाल कहाँ गई? खुदाल? बापू, ये चुप रहे, आज तो इनाम के 10,000 रुपए ढूंढ कर ही रहूंगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हें कहाँ रोक रहा हूँ, पर बापू जमीन बाद में खोदना, मैं
मैं तुम्हारे लिए माल पानी लाया हूँ। माल पानी? हाँ, ये लो पहली धार का। तबीयत खुश हो गई बेटा? बस करो बापू, बस करो, क्या कर रहे हो? देखो बेटा, असली पहली धार का माल है साला, तबीयत खुश हो गई है? आज जी भर कर पिया है, तुम मुझे शराबी तो नहीं समझते है? ना, ना, ना। सब खोद दूंगा, सब तोड़ दूंगा, पर 10,000 रुपए ढूंढ कर ही रहूंगा। और तुम्हें पता है मैं 10,000 रुपए का क्या करूंगा? क्या करोगे? मैं शराब का एक तालाब बनाऊंगा और बाद में उसमें डुबकी मारूंगा। छबेली जी, उन दो शहरियों का कुछ पता चला? नहीं सरदार, पर आप निश्चिंत रहो, मैं परछाई की तरह उनके पीछे हूँ। और पुलिस हमारे पीछे परछाई की तरह पड़ी हुई है। सुनो छबेली। कहो सरदार। छबेली, स्त्री नागिन जैसी जहरीली, शहद जैसी मीठी और मदिरा जैसी मादक होती है। मैं समझी नहीं सरदार। मैं तुम्हें समझाता हूँ छबीली। औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, इसलिए तू अपने होठों का शहद और आंखों की मदिरा राजा को इतना पिला कि वो दीवाना होकर अपने दिल की बात अपने होठों पर लाए और कह दे कि वो कौन है। और अगर वो अपना दुश्मन है तो अपना जहरीलापन फैलाकर नागिन बनकर उसे डस लेना। मैं समझ गई सरदार, ये काम तो मैं यूं ही निपटा दूंगी। राम राम भाई। राम राम। अभी तक आप गए नहीं, मुझे लगता है गांव आपको भाग गया है। क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है? बीमा हजाम। नहीं, नहीं, मुझे क्या तकलीफ होगी, मुझे तो एक ग्राहक और ज्यादा मिल गया। तो फिर तू मेरी चिंता क्यों कर रहा है? तू मेरा नाम है, मेरा काका है, मेरा बाप है, है? कुछ नहीं, पर हो तो बाप जैसा ही है। हजाम है, तू भूलना मत। अच्छा क्या तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो इसलिए कह रहा था कि अपने बाप जुरारू को पता चला कि तुम हरिपुर में ही हो ना, तो पूरे गांव की खैर नहीं। अच्छा ये तुम नहीं बोल रहे हो, पर तेरा बाप जुरावर बोल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। जुरावर से मेरा क्या लेना देना, ये तो मेरा फर्ज था इसलिए कह दिया, नहीं तो मेरे बाप का क्या जाएगा। लो आखिरी बार राम 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 राम। समझ गया, इस तरह सारी बातें पता कर लूंगी कि वो कौन है, कहाँ का है और किस लिए इस गांव में आया है। शुरू हो जा, शुरू हो जा, जल्दी शुरू कर, बचाओ, भाग भाग, वो आ रहा है, भाग। बचाओ बचाओ, बचाओ 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 बचाओ। Oh.
अब क्यों? अब ठीक हो ना? आप कौन? राजा, मेरा नाम राजा है। आपने मुझे बचाया, मैं आपका आभार जीवन भर नहीं भूलूंगी। आप समय पर ना पहुंचते तो या तो मेरी आबरू लुट गई होती या तो मैं पानी में डूबकर मर गई होती। ना, मौत और जीवन तो भगवान के हाथ में, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। पर ये घुड़सवार कौन था? डाकू जोरावर सिंह का आदमी, जिसने मेरे भाई बहन को मारकर मेरी माँ को कैदी बनाकर रखा है। कारण? गरीबी, मजबूरी और सबसे बड़ी तो ये मेरी चढ़ती जवानी, जो उस पशु की आंख में कांटे की तरह चुभ रही है। सुना है कि उस निर्दयी ने इस गांव के आसपास ही पड़ाव डाला है, पर आप इस गांव में नहीं लगते। क्या कहीं पुलिस के आदमी तो नहीं? पुलिस वालों से तो हमारा 36 का आंकड़ा है। तुम्हारा? मैं समझी नहीं, आपके साथ दूसरा शहरी? मेरे बापू हैं, सेठ राजा राम। और गंगा मेरी काकी है। मतलब जोरावर से बदला लेने में तुम मेरी मदद कर सकते हो? मदद? पर तुम पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगती? पुलिस वालों का आसरा होता तो इस हरिपुर गांव के लोग मुर्दों जैसे नहीं होते। यहाँ एक एक लोग की सांस जोरावर की मुट्ठी में बंद है, वो कोई भी क्षण उनके प्राण ले सकता है। खैर, राजा मेरे घर चलो ना। आऊंगा, फिर किसी दिन आऊंगा। मैं उस दिन की बेकरारी से रहा देखूंगी। अरे रत्ना, अच्छा मैं चलता हूँ। आना। हाँ। ए रत्ना, मेरी बात तो सुन। मुझे कोई बात नहीं सुननी। अरे पर तुझे झूठा भ्रम हुआ है। भ्रम? मैंने मेरी आंखों से देखा और तुमसे भ्रम कह रहे हो? अरे पर मुझे हाथ मत लगाना। माँ, इस साल हम सती माँ का उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। हाँ काकी, कितने सालों से जोरावर के डर से हमने ना सती माँ की पूजा की ना ही उत्सव मनाया। तुम्हारी बात सच है, पर हमें होशियार रहना चाहिए। हम कहीं उत्सव मनाते रहेंगे और जोरावर हम पर हमला कर देगा। माँ, तुम चिंता मत करो, अब हमारे गांव के लोगों में इतनी हिम्मत है कि जोरावर का मुकाबला कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारी बात सच है, मुकाबला हो सकता है। मुकाबला होगा। जोरावर का मुकाबला ये हरिपुर के गिद्ध और कुत्ते करने वाले हैं ना भीमा? सरदार। भीमा, मुझे लगता है कि ये शहरी बाप बेटे पुलिस से मिलकर जरूर कोई जाल बिछा रहे हैं जिसमें हम फंस जाएं। हाँ सरदार, हर पंछी दाने देखता है, जाल नहीं। जोरावर सिंह दाने भी देखता है और जाल भी। इन लोगों को पुलिस का साथ और मदद नहीं मिलती तो इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती। जो लोग चुटकी भी नहीं बजा सकते थे वो लोग आज उत्सव मना रहे हैं। हाँ सरदार, ये तुम्हारी बात सच है। ठीक है भीमा, उन्हें उत्सव मना लेने दो, हम कुछ नहीं करेंगे। पर मौका देखकर मैं उनकी मृत्यु उत्सव मनाऊंगा और बाद में अपना उत्सव मनाऊंगा। देखो कितनी सुहानी रात है, देखो कितनी सुहानी रात है, चमके चमके चांद सितारे। Thank you.
बराबर एक हफ्ता हो गया पर लाखा छबीली का कहीं पता नहीं। हाँ सरदार, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है
कि छबीली पुलिस के हाथ में पड़ गई हो या फिर किसी मुश्किल में आ गई हो। ऐसा ही कुछ हुआ होगा सरदार, नहीं तो छबीली। हाँ, तू एक काम कर लखा, तू जल्दी से गोली को खबर कर दे कि छबीली की खबर वो जल्दी लेकर आए। हाँ सरदार। जा जल्दी, या कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि छबीली उन लोगों के साथ मिल गई हो। छबीली, उस दिन राजा तुझे बचाने के बदले जो डाकू देखकर भाग गया होता तो विचार कर कि आज तू जिंदा होती तो कब की यमलोक पहुंच गई होती। पर सच तो ये है कि उसने तुझे डूबने से बचाया, तुझे नया जीवन दिया है, और तू उसका जीवन खत्म कर देना चाहती है। नहीं नहीं ना छबीली, तू इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती। नहीं, अब तो राजा मेरे दिल का राजा बन गया है। अरे राजा तुम? अरे वाह, पर छबीली तुमने मुझे पहचाना कैसे? बाबूजी, पशु भी अपने मालिक को कन से पहचान लेता है, तो मैं तो इंसान हूँ। बाबूजी, छबीली भले ही गरीब लड़की हो, पर इतना याद रखना कि तुम्हारे हाथ का स्पर्श जीवन में एक बार मुझे हो गया है। इस स्पर्श को मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। छोड़ दे मुझे, राजा! अरे कोई है, जोरावर के कुत्ते, इसीलिए तो गोली मार रही हूँ। अरे भाग कर रहा है कुत्ते। राजा, एक तूने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे प्राण बचाए, और आज छबीली को थोड़ी देर हो गई। राजा, इस जन्म में तुम्हें तुम्हें नहीं पा सकी, पर अगली जन्म में मैं तुझे जरूर पालूंगी, जरूर पाकर रहूंगी। राजा, राजा, आज छबीली भी तेरे पीछे आ रही है। छबीली, ये क्या कर रही है? छबीली, ये क्या कर रही है? तू जिंदा है? हाँ। तू जिंदा है? हाँ छबीली। इस ओम के लाकेट ने मुझे बचाया छबीली, इस ओम ने बचाया। राजा! छबीली, छबीली तू मेरे लिए अपने प्राण दे रही थी? अरे एक प्राण तो क्या, मैं तुम्हारे लिए 1,00,000 प्राण भी कुर्बान कर सकती हूँ। छबीली। रत्ना, 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 संभाल कर छबीली, संभाल कर, चल 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 चल, उठा। हरिया, आज गोली मरा, कल तू मरेगा और बाद में मेरी बारी।
मैं पूछता हूँ कि वो हरामखोर राजा का बच्चा मेरे हाथ में कब आएगा? आएगा कल, वो भेष बदल कर आएगा। फिर तो पुलिस भी वहाँ भेष बदल कर आएगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो दोनों पुलिस के ही आदमी हैं। तो क्या हुआ, शेर के ऊपर सवा शेर होना, यही तो हमारा धंधा है। तुम भी भेष बदल कर आना, मैं तुम्हें उनकी निशानी दूंगी। फिर निशाना लेना मेरा काम है। हाँ ले, ये ले तेरा इनाम। राजा हुँ? कल गांव में मेला है और जोरावर मेले में भेष बदल कर आएगा। भेष बदल कर? हाँ। वाह छबिली वाह, अब जोरावर हमारे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। पर वो मेले में तुम्हें पहचान लेगा। इंस्पेक्टर साहब, हमें एक पक्की खबर मिली है कि कल मेले में जोरावर और उसके साथी जरूर आने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे राजा, अगर वो मेला में आया तो जरूर पकड़ा जाएगा। मन की नींद बढ़ाना तुम्हारा देखो बहादुर और बहादुर।
चुपचाप रुक जाओ, कोई होशियारी नहीं, चलो। आराम करो, तुम में से कौन गद्दार है जिसने पुलिस को खबर दी? चमेली, मुझे तुम पर शक है। तुमने मुझसे कहा था कि मेले में तुम मुझे उनकी निशानी बताओगी, उसके बदले में तुम हमारी पहचान बता रही थी। तुमने दगा दिया है छबीली। सरदार, छबीली मर सकती है पर तुम्हारे साथ दगा नहीं कर सकती और न ही साथियों को दगा दे सकती है। सरदार, छबीली की बात सच है। लाखा के बारे में हमें सोचना चाहिए। लाखा को किसी तरह भी छुड़ाना चाहिए। अगर नहीं छुड़ाया तो अपना सारा बंडा फोड़ देगा। ये तो मेरा फर्ज था, इसलिए कह दिया। लाखा, इतना बता कि जोरावर का अड्डा कहाँ है? तू घबरा मत, मैं सरकार से कहकर तुम्हें छुड़ा दूंगा। साहब साहब, आप जोरावर को जानते नहीं हो। वो मुझे जान से मार देगा साहब, जान से मार देगा साहब। तुम्हारी जान की रक्षा सरकार करेगी। बोल, कहाँ है अड्डा? साहब, आपको खबर नहीं, जोरावर के आदमी जगह जगह पे होते हैं। हो सकता है इस चौकी में भी हो। साहब, अगर आपको सब कुछ जानना है ना, तो मुझे शहर ले चलो, मैं वहां आपको सब कुछ बता दूंगा। हाँ साहब, सब कुछ बता दूंगा। ठीक है हवलदार। जी साहब। कल सुबह जीप तैयार रखना। जी साहब। ले जाओ इसे कस्टडी में। सरदार, कल लाखा को पुलिस अहमदाबाद ले जाने वाली है और लाखा अपने अड्डों की सारी खबर दे देगा। ये मेरा फर्ज था, मैंने तुम्हें बता दिया। अरे पहले तो मैं उसकी बोलती बंद कर दूंगा। उसके कहीं पहुंचने से पहले मैं उसे यम के दरबार में पहुंचा दूंगा। ये कहां तुम्हारा? चलो बिठा दो गाड़ी में, चलो, कम ऑन, चलो जल्दी करो। मुझे और कोई बहाना नहीं सुनना, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो शहरी यहाँ चाहिए। सरदार, एक दो दिनों में हाथ में आया ही समझो। सरदार, रत्ना अपने हाथ में आए तो सारी बातें चुटकी में हो जाएंगी। ये रत्ना कौन है? गांव के मुखिया की बेटी और आज इसका अच्छा हाँ। मैं जाऊं? हाँ, जा जा, ये मेरा फैसला। राजा, 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 ओहो, राजा, कहाँ हो? राजा, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ दे, राजा।
छोड़ दे मुझे, छोड़, छोड़, राजा बचाओ। बिना ताले की अलमारी मतलब पैसा नहीं है। राजा राम से राजा सेठ बनना है तो पैसा ढूंढना पड़ेगा। पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा पैसा कहाँ है, क्या है, नहीं है। बापू ये क्या कर रहे हो? जो काम तो हफ्ते भर में न कर सका वो काम कर रहा हूं मैं। बापू क्या पता क्यों, पर आज पहली बार एक विधवा एक निराधार गंगा माँ के यहाँ चोरी करते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं। रामखोर 15-15 साल तक लोगों की जेब काटता रहा, चोरियां की, जेल भी गया और तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इसलिए कि एक दिन इस बुढ़े बाप का असरा बनेगा। पर साले तुम मुझे इस गए बदला दिया है? बापू तुम्हें मुझे जो कहना है वो कहो। गंगा माँ मुझे मेरी माँ जैसी लगती है, मैं उनको हरगिज धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं। हाँ भाई, तू तेरे इस बुढ़े बाप को धोखा दे सकता है पर उस बुढ़िया को धोखा नहीं दे सकता। क्यों है वो बुढ़िया, क्या तेरी माँ लगती है? माँ तो नहीं बापू, पर उसने मुझे माँ जैसा प्यार दिया है। पहली बार मुझे पता लगा कि माँ क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है। अरे वाह, एक ही पल में खुद के बाप को भूल गया। कहने वाले ने सच ही कहा है कि अपना खून तो अपना खून और दूसरे का खून तो पानी। रामखोर ये नहीं बोल रहा पर तेरे नसों में बहता दूसरे का खून बोल रहा है। बापू नहीं नहीं, मेरी नसों में तुम्हारा ही खून बह रहा है, झूठ मत बोलो बापू, मेरी नसों में तुम्हारा ही खून बह रहा है। तू मेरा बेटा नहीं है, और जो तू मेरा बेटा होता तो आज तू मुझे इस तरह दगा नहीं देता। बापू तुम मेरे बापू नहीं, तो फिर बताओ कौन है मेरा बाप, मैं किसकी संतान हूँ, कौन है मेरे माँ बाप, कौन है मेरे माँ बाप, कौन है मेरा बाप? आज से 15 साल पहले तू मुझे मेले में मिला था और निशानी के रूप में ये लॉकेट तेरे गले में था। ले जाए लॉकेट और जाकर ढूंढ ले कौन है तेरा माँ बाप और किसकी संतान है तू। कौन जाने किसका बाप है, ये नरक का कीड़ा है। साला लावरिस, तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरी संतान नहीं है साला। ये लॉकेट तो मेरे बेटे अर्जुन का है, मैंने मेरे हाथ से मेरे लाल के गले में पहनाया था। तो राजा ही मेरा बेटा है, त्रिनेत्र के मेले में खोया हुआ मेरा बेटा अर्जुन है। अर्जुन बेटा। माँ। हाँ, मैं इसकी माँ। ये लॉकेट ये हमारे खानदान की निशानी है जो हर बेटे के गले में पहनाई जाती है। ये देखो ये देखो ये देखो, दूसरा लॉकेट मेरे छोटे बेटे माधव के गले में था। अर्जुन माँ, अर्जुन मेरा बेटा। माँ भैया, भैया आपको बहुत बड़ा उपकार कि आपने आपने मेरे बेटे से वापस मिलवा दिया मेरा बेटा अर्जुन। भैया भैया मेरी झोपड़ी, मेरा ये खेत, मेरा गहना, ये सब कुछ आप ले लिया। माँ, नहीं बहन नहीं, रुपयों की लालच में अगर मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ नहीं भेजता तो ये जो जाने अनजाने माँ बेटे का मिलन हुआ ये मिलन नहीं हुआ होता। मुझे मुझे तुम्हारा एक रुपया भी नहीं चाहिए, न जमीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बहन, तुम लोग खुश रहो। बस ना भैया ना, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब आपको यही रहना होगा हमारे साथ। बहन
मुखी भाई देखो राजा ही मेरा खोया हुआ बेटा अर्जुन है, आज मुझे मेरा जीवन वापस मिल गया। पर गंगा बहन मेरा तो जीवन उजड़ गया, देखो ये चिट्ठी। मुखिया जो रत्ना की जिंदगी बचानी हो तो आज शाम तक राजा को काली पहाड़ी की गुफा में पहुंचा दो। याद रखना अगर इसकी खबर पुलिस को दी गई तो रत्ना की लाश गांव के तालाब में तैरती हुई नजर आएगी। तुम्हारा बाप डाकू जोरावर सिंह। मुखी काका आप घबराओ मत, मैं मेरी जान पर खेलकर भी रत्ना को जरूर बचाऊंगा। ना बेटा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, आज सालों बाद तो तुम मुझे वापस मिला है, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आज मुझे मत रोक, आज गंगा का बेटा पूरे गांव का बेटा बनकर गांव की आबरू बचाने जा रहा है। पर और ये मत भूल मेरे पिता और मेरे भाई की मौत का बदला भी मुझे लेना है। नहीं माँ आज मुझे मत रोक, मुझे आशीर्वाद दे माँ, मुझे आशीर्वाद दे। पर तुम उसे ढूंढोगे कहाँ? रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगी। छबीली हाँ आज रात जोरावर का जन्मदिन है, मैं तैयार होकर आई हूँ, हम भेज बदल कर जाएंगे। भेज बदल कर? हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बेटे। नहीं बापू नहीं, तुम नहीं। नहीं बेटा आज मैं जरूर जाऊंगा, आज तक इस राजा राम ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, आज इस उम्र में एक अच्छा काम करने दे बेटा, फिर चाहे उसके बदले इस राजा राम की जान क्यों नहीं चली जाए। ये जोरावर का आदमी है, चलो जल्दी करो पीछा करो। पकड़ो चलो बेटा चलो, पकड़ो उसे पकड़ो पकड़ो चलो वो देखो जल्दी। हो रहा चलो भाग। अरे रुक भाग भागो जल्दी। ये ले। चलो चलो ये काटा तो निकल गया। छबीली कौन है आदमी? ये जोरावर का खास आदमी हरिया है। राजा अब हमें भेस बदल कर जोरावर के अड्डे पर जल्दी पहुंचना चाहिए। चलो 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 चलो। हुजूर हम तो नाचने गाने वाले हैं। और हम बजाने वाले हैं। और हम रिझाने वाले हैं। हुजूर का जन्मदिन सुनकर हम बहुत दूर से आए हैं कि हुजूर की खिदमत में कुछ नाच गाना पेश करें, क्यों बड़े मियाँ? हाँ नन्हे मियाँ। हुजूर का जन्मदिन मुबारक हो। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो सरदार। सरदार 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 जिसकी आपको जरूरत थी वो ये रहा, ये है राजा राजा राम राजा का बाप, और ये है मुखिया रत्ना का बाप। सरदार मैंने मेरा फर्ज पूरा किया। शाबाश सरदार। धगाबाज नीच चुप बे हरामखोर। आज शिकार खुदी शिकार के जाल में फंस गया। हरिया हरिया क्या हुआ बोल, क्या हुआ तेरी हालत किसने की, किसने की? हाँ 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 मैं हूँ छबीली। हाँ 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 बोल 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 बोल। सरदार वो हरिया, इन हरामखोरों ने मेरे हरिया को मार डाला, मैं एक एक बात का बदला गिन गिन कर लूंगा। हाँ शाबाश छबीली बोल, इसके बदले में मैं तुझे क्या इनाम दूँ? सरदार बस इतना ही मांगती हूँ कि ये चारों जैसे तुम्हारे दुश्मन हैं वैसे मेरे भी दुश्मन हैं, और इन चारों को मेरे हाथों तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ। शाबाश छबीली मुझे मंजूर है। हाँ चारों को इस तरह बांधो कि मौत भी डर जाए। हाँ, हाँ सरदार आज इन चारों की जिंदगी का आखिरी दिन है। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अपनी प्रेमिका से तू कर ले इशारा।
जोरावर और उसके साथी होश में आए उससे पहले हमें पुलिस को इस अड्डे के बारे में बता देना चाहिए। चलो, चलो। मैं रास्ता बताती हूँ। चलो चलो चलो। पटाखा किसने फोड़ा? वो लोग अब तक क्यों नहीं आए होंगे? भगवान भगवान उनकी रक्षा करना। माँ माँ राजा माँ माँ राजा राजा भगवान का बहुत बड़ा उपकार कि मौत के मुंह से तू वापस आ गया। माँ हम सबको आज छबीली ने बचाया। बेटी तेरा बहुत बहुत उपकार। नहीं माँ। रत्ना रत्ना ये राजा है, मेरा खोया हुआ बेटा अर्जुन है। अर्जुन? पर राजा हमें पूरी तरह से तैयारी करनी होगी। जोरावर ऐसा छटपटाया हुआ सांप है कि वो डसने के लिए कभी भी आ जाएगा। हाँ राजा। हाँ राजा बापू की बात सच है। हाँ ठीक हाँ। है चलो चलो, चलो। वह हरामखोर छबीली हम सब के आंखों में धूल झोंक कर उन लोगों के साथ भाग गई और हम सब दारू के नशे में पड़े रहे। सरदार छबीली ऐसा दगा करेगी ये तो आपको ही पता नहीं होगा। हाँ भीमा। हरिपुर के हरामखोरों, अगर तुम लोग छबीली और उन दोनों शहरी कुत्तों को मुझे सौंप दोगे तो मैं तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मैं 10 तक गिनता हूं और जो तुम नहीं सौंपोगे तो पूरा गांव जला दूंगा और गांव के स्त्री पुरुष और बालकों को गोली से भून डालूंगा। मैं 10 तक गिनने वाला हूं। 2 4 6 तो चुना लगा कर ही छोड़ूंगा। गांव के हरामखोरों, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। जाओ पूरे गांव पर बम और गोले डालो और पूरे गांव को जलाकर खत्म कर दो। जो भी दिखाई दे उसे गोली से भून डालो। जोरावर कुत्ते, तू कायर ही नहीं कमीना भी है। तेरी दुश्मनी गांव की औरतों और आदमियों बच्चों से नहीं, मेरे साथ है। कल तक तू मुझे ढूंढ रहा था लेकिन आज मैं तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। अगर हिम्मत है तो आजा सामने। जय माता दी। Oh!
कहाँ जा रहा है? राजा को ढूंढने। ले चल, तुझे घुमा देती हूँ। जोरावर, आज मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगा। सुन कुत्ते, मेरा नाम अर्जुन है। उठ, ले, ले, आराम कर। उठ, सोन गंगा मेरी माँ है। जोरावर, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी लाश के ऊपर पूरा गांव थूकेगा, पूरा गांव थूकेगा, पूरा गांव थूकेगा। चोरावर, आज मैं अपने बाबू, मेरे भाई और गांव के एक एक आदमी के खून का बदला तेरे खून से लूंगा। तेरे खून से और तुझे कोई संबंध नहीं। मैं इंसानियत का सिपाही। अभी भी कोई सवाल हो तो पूछ ले। राम सादे, उठ। रुक जा सारे, भाग भाग कर कहाँ जाएगा है? गांव का बहुत माल खाया है साले जरावर के चमचे। बुला, तेरे जरावर को बुला। यही रुका रहा, यही रुका। जरावर, लता, लता संभाल के। लता नहीं। जोरावर, ये मेरे बेटे माधव की मौत का बदला, मेरा सुहा गुजारने का बदला। मैंने मेरी सौगंध पूरी की। छबीली, ये तूने क्या किया? छबीली, छबीली, छबीली राजा, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। छबीली, नहीं तो रत्ना की जिंदगी वीरान हो जाती। छबीली, राजा, इस जन्म में तुम्हें ना पा सकी, पर अगले जन्म में। छबीली, मैं तेरा ये बलिदान जीवन भर नहीं भूलूंगा। राजा, रत्ना, छबीली।